स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज खरगोन पहुंचे। मिश्रा मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रदेश में जो लोग पाकिस्तान काजी साहब जिंदाबाद कर रहे हैं, ऐसे सोच को लेकर देश व प्रदेश में विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि मिश्रा ने मीडिया से रूबरू करते हुए कहा कि इसको भी सांप्रदायिक का रंग दे रहे हैं। यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, दो राष्ट्रों का मामला है। जो हिंदू मुसलमान मामले को रंग देते, ये जो इस विकृत सोच को रंग देता है, इस विकृत मानसिकता के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। वहीं सिमी के मामले में कहा कि चाहे सिमी हो या तालिबानी सोच हो, या जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित को लेकर वे कहते हैं कि गाय माता के निर्णय का सम्मान करता हूं। गृह मंत्री ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता जताई है सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से फर्जी पोस्ट डाली जा रही है, उसको लेकर चिंता जताई है कि इससे देश बदनाम हो रहा है। निश्चित रूप से कोई चिंतनीय बात है। सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी सौहार्द बिगाड़ देते हैं, सोशल मीडिया कभी कभी भ्रांति फैला देता है, भ्रम फैला देता है, और इसके बाद इसके बारे में कोई न कोई एक ठोस नीति बनना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं व्यक्तिगत। इलाहाबाद कोर्ट ने आज गाय को राष्ट्रीय पक्षी होने का आदेश दिया है। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, दीन हमारे सुखदाता, गीता गंगा गौ माता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही गाय को पूजनी माना गया है, मातृवत माना गया है। 33 कोटि देवता उसमें निवास करते हैं, ऐसी हमारे यहाँ पर प्रचलित धारणा है, और इसलिए गाय का प्रत्येक अंग मनुष्य के काम आता है। गाय के दूध को माँ के दूध के समान देखा गया है, अमृतदायिनी और जीवनदायिनी कहलाई है। मैं सम्मान करता हूँ उस निर्णय का। सर, कई जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जी प्रदेश में लग रहे हैं, उस पर बड़ी कोई कार्रवाई नहीं देखने में आ रही है। कार्रवाई बड़ी है, सब हिरासत में है, और वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद को काजी साहब जिंदाबाद कह रहे थे, ऐसी सोच के बारे में देश को और प्रदेश को विचार करना चाहिए कि इसको अभी वो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ये मामला हिंदू मुसलमानों का नहीं है, ये दो राष्ट्रों का मामला है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, और इसको हिंदू मुसलमान का इसमें भी रंग देते हैं। ये इनकी विकृत सोच को जन्म देता है, और इस विकृत मानसिकता के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। सीमी कार्यकर्ता कहीं के सक्रिय होते नजर आ रहे थे, सीमी को लेकर कार्रवाई नहीं। चाहे सीमी हो और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। आज यहाँ पहुंचे मकसद भाइयों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, गौर साहब से मिल रहा हूँ। सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री जिले जिले वार्ता कर रहे हैं, कानून व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। और आप अच्छा मान रहे हो, मैं वही तो कर रहा हूँ। सर खंडवा में भी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए आपका दौरा लग रहा है कैसा कुछ? नहीं, लोकसभा के लिए तो हमारे यही काम है।